नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में ईपीएस से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा ताकि ईपीएस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको पता चल जाए। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है बिजनौर यूनिट से। जी हाँ साथियों, दिनांक 8 सितंबर 2024 यानी कि कल ही ईपीएस 95 एनएसी बिजनौर यूनिट की एक सामान्य मीटिंग नजीमाबाद डिपो परिषद में संपन्न हुई। साथियों, इसमें काफ़ी सेवानिवृत्त पेंशनर्स उपस्थित थे। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिला सचिव बिजनौर यूनिट द्वारा ईपीएस 95 से संबंधित सूचनाएं पेंशन के संबंध में बताई गई। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी का भी सामूहिक रूप से आभार व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा पेंशन मुद्दे को हल करने का आश्वासन राष्ट्रीय यूनिट को दिया गया था। माननीय श्रम मंत्री जी, राज्य श्रम मंत्री जी सहित सभी का सहयोग एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मिल रहा है। इसका प्रमुख श्रेय माननीय अशोक रावत जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी, भटनागर जी, ओम शंकर तिवारी जी को जाता है। इसका भी सभी पेंशनर्स ने आभार व्यक्त किया। इसके अलावा सभी सेवानिवृत्त पेंशन कर्मचारियों को धन्यवाद अर्पित किया गया जिनके द्वारा समय समय पर अपेक्षित सहयोग दिया जा रहा है और पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर हमेशा वे सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनका धन्यवाद अर्पित किया गया। साथियों, दूसरी बड़ी अपडेट है एनएससी के मुख्यालय बुल्ढाणा से, जहां पर श्रृंखला आंदोलन चल रहा है, चेन हंगर स्ट्राइक चल रही है। 8 सितंबर को उसका 2085वां दिन था, यानी कि करीबन 5 वर्ष और 260 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार ये चेन हंगर स्ट्राइक जारी है और पेंशनर लगातार यहां पर उपस्थित रहते हैं और चेन हंगर स्ट्राइक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में 8 सितंबर को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री ए एस दास दोबड़े और श्री सी टी गुप्ता जी ने अनशन में भाग लिया और चेन हंगर स्ट्राइक को आगे बढ़ाया। तीसरा और बड़ा अपडेट है महाराष्ट्र से। जी हां साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं शरद पवार का ये ट्वीट है और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत बड़ा सम्मेलन महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था 26 अगस्त को, जहां पर शरद पवार जी मौजूद थे, सुप्रिया सुले जी मौजूद थी और बहुत सारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जन समूह उपस्थित था। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं ये शरद पवार जी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिससे उन्होंने अपनी पोस्ट साझा की है, जिसमें आप देख सकते हैं ईवीएस 95 के मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया हुआ है और बताया हुआ है कि किस तरह से 36 से 37 लाख पेंशनर आज पूरे देश में ऐसे हैं जिनको 1000 से कम पेंशन मिल रही है और जो मिनिमम पेंशन सरकार ने निर्धारित की हुई है 1000, उसको बढ़ाकर 7500 करने की अब समय आ गया और सरकार को इस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा जन समूह, ये बड़ा सैलाब यहाँ पर उपस्थित है जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उत्साहित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शरद पवार जी मौजूद हैं, इसके अलावा सुप्रिया सुले जी मौजूद हैं। तो इसी महासम्मेलन को लेकर प्रकाश पाठक जी राष्ट्रीय महासचिव निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति के, उन्होंने एक पोस्ट साझा की है इसी सम्मेलन को लेकर। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो पोस्ट है जो उन्होंने साझा कि यहां पर ये लिख रहे हैं कि प्रिय मित्रों, में प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव निवृत्त कर्मचारी 95 राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत पेंशन समाज दिल्ली मुख्यालय नागपुर की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दिनांक 26 अगस्त 2024 को पुणे शाखा द्वारा पुणे महाराष्ट्र में नव निर्वाचित सांसद जी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पद्म विभूषण माननीय श्री शरद चंद्र जी पवार और माननीय श्रीमती सुप्रिया सुले जी की उपस्थिति में किया गया। हजारों निवृत्त धारकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिनका स्वागत माननीय पवार जी ने अत्यंत स्नेहपूर्ण ढंग से किया। माननीय श्री शरद चंद्र जी पवार ने अपने संबोधन में निवृत्त धारकों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये की मांग को पूरी तरह से जायज ठहराया। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के वेतन संबंधी नीति को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान बनाने की दिशा में कदम उठाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हुई, महाराष्ट्र में भी तत्काल उन्हें अमल में लाया गया, जिसे कर्मचारियों में असंतोष समाप्त हुआ।
उसी प्रकार वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत निवृत्त धारकों के अधिकारों की सुरक्षा है तो बिना किसी भेदभाव के 186 औद्योगिक कामगारों के लिए ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र चुनाव से पूर्व इंडिया ग्रुप की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में निवृत्त कर्मचारी 95 राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत पेंशन समाज दिल्ली के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रयास से 78 लाख निवृत्त धारकों और 29 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 29 साल पुराने कानून में आवश्यक संशोधन कर इसे अधिक प्रासंगिक और न्याय संगीत बनाया जाएगा। सभा का समापन सभी उपस्थित जनों का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किया गया। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश पाठक जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत पेंशन समाज की ओर से उन्होंने ये पोस्ट साझा की है। और ये जो सम्मेलन हुआ था, शरद परवार जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इंडिया ग्रुप की जो बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को डिस्कस करने और विधानसभा चुनाव राष्ट्र चुनाव से पहले उसे सॉल्व कराने के बारे में दिशा निर्देश दिए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट ईवीएस 95 से जुड़े हुए थे जो आप लोगों तक मैंने साझा किए। आपका इस अपडेट के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए, सकारात्मक रहिए, ताकि ईवीएस 95 मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।